हरियाणा निवास चंडीगढ़ में भाजपा की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौर पर शिरकत की है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं आती हैं, ऐसी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य कार्यकर्ताओं का जिम्मा है। उन्होंने कहा कि बैठक दो चरणों में होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में आयोजित हुई आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने अंत्योदय की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ गरीब व वंचित लोगों को प्राप्त हो पर चर्चा की गई है। वहीं दूसरे चरण की बैठक प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्षों के साथ होगी। परिवार पहचान पत्र को लेकर अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी कार्यकर्ताओं को करने का प्रयास करना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सुभाष बराला ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए और जब वह खास करके प्रदेश व देश की सत्ता में हो तो जहां लोग आपके काम की सराहना करने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं विरोध करने वाले भी होते हैं। बराला ने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसान आंदोलन जहां देश के हिस्सों में चल रहा है, हम सरकार की बात को ठीक प्रकार से लोगों के बीच रख पाए हमारी जिम्मेदारी भी है। सुभाष बराला ने कहा कि किसानों की मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। सुभाष बराला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं हुई क्योंकि इससे पहले ही बैठकों में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो चुकी है। सुनिए सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा। चर्चा हुई और सारे जिलाध्यक्षों को पदाधिकारी बुलाए गए। देखिए, आज की ये जो बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी, इसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी श्रीमान विनोद तावड़े जी, प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये जो बैठक है इसमें जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और इसी स्तर का कोई एक कार्यकर्ता इस बैठक में रहा है। ये बैठक दो चरणों में होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री जी ने जो अंत्योदय की योजना सरकार की रहती है और पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे, उनके प्रेरणा से जो अंत्योदय के भाव से कार्यक्रम चलते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं सरकारी योजनाओं के, उनका लाभ गरीब लोगों तक पहुँचे, ये योजना जो सरकार की है उसमें पार्टी के लोग भी ये प्रयास करें कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति इस अंत्योदय के लाभ से छूट ना जाए। तो पहले चरण में इस बात की चर्चा हुई है और अब अगले चरण की जो बैठक है वो जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करने वाले हैं। इस प्रकार की जिम्मेवारी लगाई है सरकारकर्ताओं की, कैसे पहुंचेंगे उन परिवारों तक? देखिए, इसमें जिस भी प्रकार की योजनाएं सरकार की आती हैं, गरीब कल्याण की, जन कल्याण की योजनाएं आती हैं, समय समय पर इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, वो ध्यान करते हुए उनका लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुँच जाए। ये जब जब योजना आएगी उसके आधार पर कार्यकर्ताओं के पास सरकारी योजनाओं का जो फीडबैक जाता है, उस फीडबैक के आधार पर लोगों से संपर्क करके उनको जानकारी देना, ये प्रमुख काम पार्टी के जुम्मे है। दूसरे चरण पत्र को लेकर भी कोई बातचीत इसमें हुई है सर कि परिवार पहचान? देखिए, वो एक सरकारी योजना जो है उसमें भी कहीं किसी को कोई समस्या आती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी काम करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस प्रकार की भी कहीं कोई समस्या आती है, किसी को परिवार पहचान पत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई शंका है, उसके समाधान की भी बात हमने कार्यकर्ताओं को कही। ये दूसरे चरण की जो बैठक हो रही है इसका क्या एजेंडा है? इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष जी वो बैठक के बाद बताएंगे। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं जी, किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, इस वक्त स्थिति पार्टी के लिए बहुत अनुकूल तो नहीं मानी जा सकती, आज कई जगह विरोध और आपके नेताओं का, इस स्थिति से बचने के लिए या मुकाबला करने के लिए क्या कोई रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए और जब वो खास करके सत्ता में होता है, और सत्ता भी देश की सत्ता भी प्रदेश की सत्ता भी, तो जहाँ लोग आपके काम की सराहना करने वाले होते हैं तो कहीं न कहीं उसका विरोध करने वाले भी होते हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन जहाँ जहाँ भी देश के हिस्से में चल रहा है, उस हिस्से में कैसे हम सरकार की बात को, जो नरेंद्र मोदी जी 3 बिल लेकर के आए हैं, ठीक प्रकार से लोगों के बीच में रख पाए, हमारी जिम्मेवारी केवल ये है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से पहले दौर
किसान नेताओं के साथ बातचीत का चला था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने दोबारा से किसानों को बातचीत के लिए कहा है और मुझे लगता है कि वो जल्दी बैठ करके इसका समाधान भी हो जाएगा। सर, ये आज जो बैठक हुई, इस बैठक में पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी जो थे, उनसे क्या ये फीडबैक लिया गया कि क्या किसान आंदोलन का असर है, हम लोगों के बीच में कैसे आए, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, इस बैठक में ये व्यापक चर्चा नहीं हुई है क्योंकि पूर्व की जो बैठकें हैं उसमें किसान आंदोलन के बारे में चर्चा हो चुकी है। गुड़गांव की बैठक में भी विशेष रूप से आप सब लोगों ने भी उसके बारे में चर्चा की है, वो बात वहां पर आई थी। और हमारे सब कार्यकर्ता कैसे हम इस बिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जो जानकारी है वो पहुँचाएँ, ये काम पहले पार्टी ने शुरू कर रखा है। ठीक है, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।